नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में जो है एक बड़ा भूचाल देखने को मिला, जहां पर यहां पर सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो, दोनों के दोनों जो है अब एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ अपना जो है हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का खेमा इस वक्त जो है राजस्थान में मजबूती की कगार पर पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ जो है आपसी कला की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो कांग्रेस एक तरफ होकर के जो है ये लड़ाई लड़ना चाहता था, उस कांग्रेस के पास जो है आज मुश्किल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो उस पूरे मामले से जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो अब सचिन पायलट ने भी वो रुख छोड़ दिया है जिसमें वो यहाँ पर अपने लिए सोच रहे थे और पार्टी के लिए नहीं सोच रहे थे। वहीं पर यहाँ पर जो है गहलोत की तरफ से भी यही हुआ, अंतर खाने में क्या बातचीत हुई है वो अभी तक बाहर निकल करके नहीं आया, लेकिन दोनों ही नेताओं को अभी तक जो है आला कमान ने समझाने की कोशिश की है और शायद दोनों ही नेताओं को ये बात समझ में आ रही है। और तभी हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर के जो है अब यहाँ पर जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के दोनों अपने बयान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को निशाने पर लेते दिखाई दे रहे हैं, ना कि खुद एक दूसरे के खिलाफ। अभी हम दो दिन पहले देख रहे थे कि कैसे एक दूसरे पर पलटवार और हमलावर दिखाई दे रहे थे, वही दोनों नेता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। दोनों नेताओं के इस बोल को सुनने के बाद ये बिल्कुल अब तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में जो है बीजेपी की मुश्किलें जो राह आसान हो चुकी थी वो और भी ज्यादा बढ़ करके दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर जो है राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से बीजेपी को पटखनी देने के लिए कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।